आप देख रहे हैं TNB। दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर से ही 200 करोड़ रुपए की वसूली कर रैकेट चलाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन पर बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही आज पूछताछ के लिए ईडी के नई दिल्ली स्थित दफ्तर पहुंची। आज ही ईडी ने समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। बता दें कि तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने के मामले में सुकेश चंद्रशेखर और उसकी कथित पत्नी एक्ट्रेस लीना पाल जेल में बंद है। सुकेश ने नोरा फतेही को भी अपनी जाल में फंसाने की साजिश रची थी। नोरा फतेही एक कैनेडियन मॉडल अभिनेत्री हैं। नोरा ने बॉलीवुड में कई मशहूर आइटम सॉन्ग्स पर डांस किया। वो कई रियलिटी शो में भी नजर आ चुकी हैं। नोरा स्ट्रीट डांसर, 3D, बाटला हाउस जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। फिल्म एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को भी ईडी ने तीसरी बार समन भेजा है। उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए कल MTNL स्थित ईडी दफ्तर बुलाया गया है। जैकलिन को भी सुकेश ने जेल के अंदर से ही साजिश रचकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। खबर के मुताबिक 200 करोड़ की रंगदारी वसूलने का मुख्य आरोपी सुकेश अभिनेत्री जैकलिन को तिहाड़ जेल के भीतर से ही फोन किया करता था। सूत्रों का कहना है कि सुकेश तिहाड़ जेल के अंदर से कॉल स्पूफिंग सिस्टम के जरिए एक्ट्रेस को फोन करता था, लेकिन उसने अपनी पहचान जाहिर नहीं की। एजेंसियों को सुकेश चंद्रशेखर की महत्वपूर्ण कॉल डिटेल हाथ लगी है। इसी के जरिए जैकलिन के साथ हुई धोखाधड़ी की जांच एजेंसियों को भी जानकारी मिली थी। हालांकि इस मामले में आगे किस तरह की कड़ी का खुलासा होता है, इसका इंतजार रहेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।